कोरोना से मृत महिला का शव गांव के बगीचे में छोड़ भागे स्वास्थ्य कर्मी। काफी जद्दोजहद के बाद एसडीएम और सीओ ने कराया दफन। कोरोना महामारी का खौफ लोगों के मन में इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब मरने वालों की लाश भी छूने को तैयार नहीं है। जनपद के थाना महाराजगंज स्थित ग्राम गद्दोपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमित एक महिला मरीज की मौत के बाद लाश गांव को बगीचे में छोड़कर भाग जाना स्वास्थ्य विभाग की संक्रमण काल की आपदा के समय बड़ी एवं घोर लापरवाही है। सोशल मीडिया पर वायरल घटना की फोटो विभाग की लापरवाही को स्पष्ट बयां कर रही है। यहां बता दें कि जनपद के पश्चिमांचल में स्थित विकासखंड व थाना महाराजगंज स्थित ग्राम गद्दोपुर की निवासीनी महिला दो दिन पहले कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात उपचार के लिए कोविड अस्पताल गई। शनिवार को उसकी मौत हो गई। मौत होने के पश्चात उसकी लाश को उसके घर पहुंचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस से भेजा गया। स्वास्थ्यकर्मी लाश ले जाकर गाँव के एक बगीचे में फेंक कर वहां से भाग निकले। कुछ समय बीत जाने के बाद ग्रामीण जनों को पीपी किट में लिपटी लाश दिखी तो महिला के परिजनों को सूचित किया। गांव एवं परिवार के लोग इतने भयभीत थे कि लाश के करीब जाने का साहस नहीं कर सके। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के लोगों को लाश की सूचना दी। एसडीएम एवं सीओ बदलापुर दोपहर में ही गांव पहुंचे और जेसीबी मशीन से वहीं बगीचे में गड्ढा खुदवा कर लाश को दफन करवा दिया। यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यह है कि जब अस्पताल से लाश को गाँव पहुँचा सकते थे तो उसके परिजनों को सुपुत्र भी कर सकते थे। क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है। चिकित्सा अधीक्षक महाराजगंज सबको फोन किया, मैसेज भी भेजा और साथ ही साथ हमने मीडिया के साथियों को भी फोन करके बताया कि अभी तक ये घटना हुई है, अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया और लाश कोई गांव के लोग यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। लाश लवारिस हालत में पड़ी हुई है। हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन इस प्रकार की अगर कार्रवाई करती रहेगी तो अच्छा नहीं है। लाश को खाके सुपुर्द किया जाए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और इनके परिवार में लड़का है और एक औरत बैठी हुई हैं, उनकी पहली औरत है, दूसरी औरत उनके बच्चे हैं, इनके कोई बच्चा उच्चा था नहीं और इस हालत में 8 बजे से लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। गांव के लोग दफन करने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्काल कार्रवाई करके लाश को तुरंत तत्काल दफनाया जाए और नहीं तो इससे गाँव में भी कोरोना साकड़ी फैलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला अधिकारी या डीएम एसडीएम महोदय की है। हम इससे ज़्यादा और इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। क्या एक कई घंटा हो गया यहाँ? 8 बजे से लाश पड़ी हुई है, कोई छूने तैयार नहीं, कोई छूने को तैयार नहीं है। बच्चे ने जो प्लास्टिक लगाया गया है, हमारे बच्चे ने एम्बुलेंस वालों को पैसा खरीदा, उसके बाद 1500 रुपया नकद दिया, तब जा करके ये सारी व्यवस्था लोगों ने किया है। एम्बुलेंस वाले पैसा लिए? एम्बुलेंस वाले ने 1500 रुपया लिए हैं और उसके बाद पन्नी जो लगी हुई है हमारे लड़के ने ला करके पन्नी दिया है, तब ये पन्नी लगा करके छोड़ करके चले गए। क्या नाम है इस महिला का? इस महिला का नाम है सीता पांडे। पति का? पति का नाम जय नारायण पांडे। किस गांव के? ग्राम सभा गद्दोपुर दुबे का पूरा। आपका क्या नाम है? हमारा अशोक कुमार पांडे। सनाफ? सनाफ लाल मणि पांडे। खेत मजदूर यूनियन जिला प्रेसिडेंट जौनपुर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से प्रणय तिवारी की रिपोर्ट।